ऑलरेडी वेलकम बैक वंस अगेन सर, आपसे बात हो रही थी, आप अपनी बेटी का बता रहे थे, वो भी आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, वो यहाँ क्रिएट में पढ़ रही थी और एक दिन मुझे कहने लगी मैंने फाइन आर्ट करना। मैंने बोला क्या ये क्या हो, तो क्या यहाँ तो बीए कर रही हो, वहाँ जाके फिर करोगे? कहते मैंने करना है, मैंने कहा था। और उसने ड्राॅइंग कभी नहीं की थी। अच्छा, वो गई वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो वो कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है। नहीं, मैं तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में गई उन्हीं के कैंपस में। तो उनके पास जाके कहने लगे कि मैंने फाइन आर्ट करना है। उन्होंने कहा तो एम सी ए भी चली जाओ। कहती वहाँ मेरा बाप भी है, मेरा भाई भी है, तो मैं उनके जैसे साया मैं नहीं कर सकती, तो मैं यहाँ पर आई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मंजूर हूँ। ड्राॅइंग उसको नहीं आती थी, लेकिन उसने फर्स्ट जो पहला वो था उसका ईयर, उसमें भी उसने टॉप किया। सेकेंड ईयर में भी, थर्ड और फोर्थ ईयर में वो टॉप करती रही। इसलिए कि उसके अंदर वो जो है वो एटमॉस्फेयर, मतलब जाते हुए मेरे साथ वो डिस्कस करती थी, हिस्ट्री डिस्कस कर रही, पेंटर डिस्कस कर रही, सब कुछ इस तरह चलता रहता। उसके बाद जब उसका थीसिस हुआ तो मियाँ इजाज़ हो सर उसको एग्जामिनर थे, तो वो टीचर उसको बताने लगे कि मियाँ साहब आपको पता ये कौन है? मैंने कहा नहीं नहीं ये सही साहब की बेटी हैं। तो लेकिन इसके बाप का कौन सा बच्चा है जिसके काम में आपका रिफ्लेक्शन नजर आता है? बाप का तो कोई असर नहीं है इसमें। वो इस पर बहुत हैरान और उसकी ये तबीयत है। अच्छा, दूसरा बेटा मेरा छोटा जो है वो बड़ा अच्छा था और हमारा ख्याल था कि वो डॉक्टर बनेगा, उसकी माँ का यही ख्याल था। अच्छा। लेकिन आखिरी वक्त में कहने का मैं तो जाना है स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन, वहाँ गया तो वहाँ मिसेस आवेदी थी, उन्होंने कहा तुम अभी तो छोटे हो, जाओ जाके कहीं और पढ़ो। तो वो एन सी चला गया, एन सी ए में कामयाब रहा, उसे मिनिएचर में वो किया। छोटी बेटी जो है वो भी इसी तरह, उसका कोई हमारा नहीं ख्याल था कभी वो आर्ट में आई, लेकिन वही जब वो वक्त आया, अब उसने इम्तिहान दिया और पास हो गई, और तो कहने लगी कि मैंने कहा अब क्या करना है, तो मैं तो एन सी में जाना। मैंने कहा तुमने तो ड्राइंग नहीं की, बोले अभी है 2 महीने बाकी है, और वो किया और उससे माशाल्लाह। सर आपके जो सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, 3 बच्चे आपके, उनमें से आप जब उनका काम देखते हैं कौन सा ऐसा बच्चा जिसमें जिसके काम में आपको अपना आप नज़र आता है? देखिए मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि मेरा बेटा जो है उस्मान, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और आर्टिस्ट भी बड़ा अच्छा है। उसने एक ड्राइंग बनाई जो कि बिल्कुल मेरी ड्राइंग की तरह थी और उसने ला के मुझे दिखाई घर में, माँ पास थी उसकी। मैंने देख के मैंने उसको देखा और मैंने उसको फाड़ के फेंक दिया। वही वाली आदत सर। मैंने कहा ये क्या, मेरी बीवी बड़ी सख्त नाराज हुई, ये क्या किया आपने, आप उसको क्या किया? मैंने कहा देखो उसको सईद अख्तर नहीं बनना, उसको उस्मान है, वो उस्मान बनेगा। तो मैंने उसे कहा, उसके बाद उसकी हर चीज चेंज हो गई और वो उस्मान है और वो उस्मान के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह किस तरह किस वो बच्चे को कहाँ पर रोकना है और कहाँ से आगे लेके जाना है, ये एक शादी होती है, ये हमारा काम होता है। सर आपको कभी मोहब्बत हुई शादी से पहले, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? बहुत ज़रूरी है, होती रहनी चाहिए, एक दफ़ा से गुजारा नहीं होता। तो फिर वो कहते हैं जो बार बार वो मोहब्बत नहीं होती वो तो अट्रैक्शन होती है। नहीं नहीं देखिए मोहब्बत एक बड़ा फसूदा सा लफ्ज़ लगता है मुझे। आपके क्या डिक्शनरी में लफ्ज़ था? पता नहीं, मेरा ख्याल है कि अपने किसी भी चीज़ के साथ सिंसेरिटी, वो रिश्तों के साथ हो या काम के साथ। देखिए ये तो बात नहीं, आपके ख्याल है कि लड़की से मोहब्बत? हाँ जी बिल्कुल हुई है। पहली मोहब्बत कब हुई था? पहली मोहब्बत अपनी बीवी से हुई है। ये आपका बीवी प्रोग्राम देख रही है इसलिए आप मैं वो राज नहीं मैं बताया था सुनने। सर आप बता दें, देखिए जिंदगी में आपने कहा था प्रोग्राम से पहले आज आपका इम्तिहान। देखो मैं तो हर वक्त इश्क करता रहता हूँ, मैं तो अपनी तस्वीरों से इश्क करता हूँ, पहले भी मैंने कही थी ये नाकाम हुआ। फिर एक दफा मुझे मेरे वाले साहब ने कहा शादी कर लो, मैंने शादी कर ली। अब वो ठीक, वो तस्वीर से शादी की थी, जो तस्वीर देखी थी उससे इश्क हुआ, फिर उसी से शादी? ना उस लड़की को तो मैं जानता भी नहीं सर, ये गलत बात, ये सही बात है, और मैंने उनका नाम भी नहीं सुना था। ये यहाँ पे आके आप देखिए हार गए, मैंने उनको नहीं देखा, सरेंडर कर गए। वो शादी हुई मेरी और मुझे फख्र है कि वो मेरी कामयाब तरीके से, माशाल्लाह सब लोग देखते थे। अच्छा आपने नईम के बारे में बताना था, यूनिवर्सिटी में कैसे थे इनका, थोड़ा सा बताएं कैसे स्टूडेंट थे? अब होता ही रहता है, होता ही रहता है। देखिए इसका मतलब फिनोमेना है, वो लोग अच्छे लगते हैं और आप कोशिश भी करते हैं, लोग अच्छे लगते हैं वो तो। लेकिन कहते हैं मैं एक रिक्शे के पीछे पड़ी थी, बड़ा मुझे अच्छा लगा, लिखा था कि किसी के चले जाने से
कोई मर नहीं जाता, सिर्फ जीने का अंदाज बदल जाता है। आपका भी जीने का अंदाज बदला? मैं समझता हूँ जितना अरसे मतलब मैं मोहब्बत में गिरफ्तार रहा है, परेशान रहा, जो भी आप कहें, लेकिन जो खुदा करता है वो बहुत बेहतर करता है। मेरी जो जिनसे शादी हुई है, मेरा ख्याल है कि मैं ज़िंदगी में खुद ढूंढने निकलता कुछ तो उससे बेहतर बीवी मुझे नहीं मिल सकती थी। वैसे ही जब इंसान हार जाता है ना सर, तो ये उसकी एक नहीं 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 मैं अल्लाह ने किया अच्छा। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मेरी बीवी स्पेशली खुदा ने मेरे लिए बना के भेजी, वो पैकेज मेरे लिए आया था, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी बीवी जैसे आपने कहा तेज मिजाज था, ये था वो है, उसको जो बीवी मिली वो इतनी हलीम और इतनी सही कि उस मेरी जिंदगी उसे बदल कर रखी। अच्छा, आपकी जिंदगी बदल के रखी, कैसे रखी, पहले क्या थे अब क्या है, इस पर भी बात होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। बिन वदाक बिन मौला